दूसरा मेथड जो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब यह है कि हमें इन दो वेरिएबल्स में से एक को, किसी इन दो इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें एक वेरिएबल ऐसे ख़त्म होगा, फिर हम दूसरा आराम से निकालेंगे, फिर वापस उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी इक्वेशन में। तो असल में जो एलिमिनेशन मेथड है, ये खाली एलिमिनेशन नहीं होता, इसमें पहले एलिमिनेशन करते हैं उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सपोज यहाँ पे इसको इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, आपको ये देखना है कम से कम दो वेरिएबल्स में से एक का जो है कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, या साइन का आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स का जो कोएफिशिएंट है वन, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट माइनस वन है, साइन का टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे सीधे अगर हम इन दो इक्वेशंस को या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हम अगर सिंपली ऐड करेंगे तो एक्स खत्म होगा। अब देखो इसको, अगर इसको ऐड करेंगे, इन दो इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूंगा तो x माइनस एक्स खत्म होगा, ये जीरो होगा, प्लस ये होगा सिक्स वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या निकला सिक्स, विच इम्प्लाइज सिक्स वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन, वाई कितना निकला 15/6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5/2। अब इसको क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, वैल्यू का जो y का वैल्यू है ये फर्स्ट में, जो y इज इक्वल टू 5/2 में इस इक्वेशन वन में डालूंगा। इक्वेशन वन क्या है असल में, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यही इक्वेशन थी। अब मैं इसमें y का वैल्यू डालूंगा, इक्वेशन प्लस x प्लस 2 इंटू y 5/2 इज इक्वल टू 10, तो x प्लस 2 और 2 कैंसिल होगा, 5 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, तो x 5 निकला, हो गए दोनों सॉल्व, x 5 निकला, y निकला 5/2, फाइनल आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे अब एक चीज हो सकता है, ये यहाँ पे सिंपल पहले से कोएफिशिएंट सिमिलर थे तो मैंने ऐड किया तो ये खत्म हो गया, कहीं पे ऐसी इक्वेशन होगी बाकी फिर सेम होगा। पहले कहीं पे इक्वेशन, सपोज अगर ऐसी इक्वेशन है 2x + 4y = 15, दूसरा है 3x + 7y = 20, ऐसी इक्वेशन, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो मैं कैसे कोएफिशिएंट करूंगा सेम, यहाँ पे सपोज अगर x को मैं एलिमिनेट करूंगा, यहाँ 2 है कोएफिशिएंट, यहाँ 3 है, तो ये जो 3 इसका कोएफिशिएंट में इसमें मल्टीप्लाई करूंगा थ्रू आउट, इसका कोएफिशिएंट में इसमें मल्टीप्लाई करूंगा थ्रू आउट, तो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से थ्रू आउट, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 2 × 3 6x 3 × 4 = 12 + 12 y 3 × 15 = 45, तो ये बनेगा 6x + 14 y 2 × 10 = 40, तो फिर इसको फर्स्ट रखो, इसको सेकंड रखो, तो अब सिमिलर बना। अब इसको ऐड अगर करेंगे तब ये खत्म नहीं होगा, इसलिए हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन दो को करेंगे सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस बनेगा, खत्म होगा, इन दो को सब्ट्रैक्ट करोगे -2y = 5, फिर y = यहाँ पे लिखेगा -5/2, ऐसे ही फिर जिस जैसे पहले किया था फिर वैसे ही करना है। थैंक यू।